हजारों हजारों साल से हम लोग ह्यूम हैं दुनिया में लेकिन खाली लास्ट पचास से सौ साल से हम पैकेज फूड खा रहे हैं और ज़्यादातर रिसर्च आप देखोगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है दैट इज लिंक टू सेवरल सेवरल इलनेसेस सो माय पॉइंट इज अगेन हजारों साल की हिस्ट्री में लास्ट खाली पचास से सौ साल से खा रहे हैं और हम इतना अडिक्ट हो गए हैं और हमारा हेल्थ इससे ही बन रहा है सेवेंटी एट्टी परसेंट जो हम खा रहे हैं यही है right. और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुझे वही था कि पैकेज फूड जो है उसका न्यूट्रिशन लेबल अगर हम पढ़ें तो हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बेहद यंग डायनामिक और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी मौजूद है ये एक ऑथर हैं हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं और लाखों लोग आज इनसे इंस्पायर हो रहे हैं हेल्थ न्यूट्रिशन के फील्ड में इतनी बड़ी अवेयरनेस इन्होंने पिछले कुछ महीनों में क्रिएट की है कि मिलियंस ऑफ लोग आज इनसे इंस्पायर्ड हैं सो प्लीज़ वेलकम फूड फार्मर रेवंत हेमंत संघा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो रेवंत ये जर्नी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन में जो आपका इंटरेस्ट और पैशन है वो किस तरीके से शुरू हुआ सो so, ये आठ नौ साल पहले शुरू हुआ था अभी तो लोग अभी जान रहे हैं मुझे लेकिन आठ नौ साल पहले शुरू हुआ था सो so, मैं यूजली अगर सौ लोग हैं ज्यादातर लोग तो हेल्थ में अवेयर है नहीं बट जो लोग हेल्थ में अवेयर हैं भी वो भी मैं देखा कि जो जिम जाते हैं तो वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं इसमें काली चीनी रहता है या अपने बच्चे को ड्रिंक्स दे रहे हैं जो उससे उनको लगता है कि लंबा होगा बच्चा लेकिन होता नहीं है सो so, मुझे लगा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन लोग भी बहुत नॉट सो हेल्थी चीज़ कर रहे हैं right. मुझे उस पर काफ़ी था, था जब मैं न्यूयॉर्क में था मैं न्यूट्रिशन पढ़ा एक साल के लिए और तब मैं एक किताब भी लिखा था उसका नाम है सेल्फीनॉमिक्स तो वो वो किताब खाली न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं था बट तो उसमें मैं एक चैप्टर भी लिखा था पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर और मैं आपको एक क्विक बैकग्राउंड दूंगा हजारों हजारों साल से हम लोग ह्यूम्स हैं दुनिया में लेकिन खाली लास्ट पचास से सौ साल से हम पैकेज फूड खा रहे हैं और ये चालू हुआ था टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर एग्जाम्पल कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में सोल्जर्स को दिया जाता था पैकेज फूड ताकि वो लंबा चले खाना क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं एक महीना के ले कहीं तो वो खाना खराब नहीं होता है और लेकिन अब इतना मेन स्ट्रीम हो गया है कि अब हम लोग कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं पैकेज फूड के अलावा मतलब खाना ये चालू हुआ था एज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन कि वॉर के टाइम पे वैसे होगा और अब ये ऐसे हो गया है कि मतलब तो और ज़्यादातर रिसर्च आप देखोगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है दैट इज़ लिंक टू सेवरल सेवरल इलनेसिस सो माई पॉइंट इज अगेन हजारों साल की हिस्ट्री में लास्ट खाली पचास से सौ साल से खा रहे हैं और हम इतना हो गए हैं और हमारा हेल्थ इससे ही बन रहा है सेवनटी एट्टी परसेंट जो हम खा रहे हैं यही है राइट right. और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुझे वही था कि पैकेज फूड जो है उसका न्यूट्रिशन लेबल अगर हम पढ़े तो हम काफी हद तक जान सकते हैं कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट आया ये जो रिसर्च होती है इन फूड्स को बनाने के प्रति सो इसमें क्या लेवल ऑफ़ मैनिपुलेशन रहता है कि बिकॉज मैनी टाइम्स दे रिसर्च की इसमें एडिक्शन लेवल है कई बार वो जानबूझ के भी आ, रिसर्च इस तरीके की करते हैं कि लोग ताकि एडिक्ट हो उनके प्रोडक्ट को लेकर के तो इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो डज दैट हैपन बिकॉज मैंने शायद कहीं पढ़ा या कहीं देखा है ऐसा कि इस तरीके की बात लोग करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं कि एडिक्शन नेचर है इस फूड के अंदर या नहीं हाँ मतलब उनका मकसद अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा बट कोई भी कंपनी का उनका मकसद है सेल्स आप कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हो और रेवेन्यू तभी बढ़ेगा अगर लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो ऑब्वियसली वही ट्राई करेंगे कि थोड़ा आप प्रोडक्ट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपका मन हो खाने का तो वो वही टाइप का चीज हो फॉर एक्साम्पल एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट उनका टैगलाइन था नो वन कैन ईट जस्ट वन बेट यू के नॉट जस्ट ईट वन वैसा कुछ एक टैगलाइन था ऐसा क्यों है कि आप एक ही नहीं खा पा रहे हो आपको और खाने का मन कर रहा है वो खुद ही बोल रहे हैं अपने टैगलाइन में नो वन वन कैन ईट जस्ट राइट तो वो ऐसा एक सॉल्ट शुगर और फैट का एक रेशियो बना दिए हैं कि जिससे लोग को और खाने का मन होगा एक खा एक खाएंगे तो दूसरा खाने का मन होगा दो खाएंगे तो तीसरा खाने का मन होगा तो वो एक काफ़ी स्मार्ट लोग हैं इन लोग कोई मतलब सब साइंटिफिक लोग हैं इन लोग जानते हैं कि कैसे मनिपुलेट कर सकते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को कि हमें ज़्यादा टेस्टी लगे ज़्यादा खाने का मन हो तो वो तो होता ही है बट एज अ कस्टमर आई थिंक हमें अवेयरनेस लेकर के आनी चाहिए आई थिंक दोनों तरफ से आना चाहिए कस्टमर्स को भी अवेयर होना चाहिए और साथ में कंपनीज को भी थोड़ा सा और एथिकली मार्केट करना चाहिए सो so, पॉइंट यही है कि आप कोई कस्टमर को देखोगे कस्टमर्स का बहुत ही एक होता है कि हम लोग के एज तो हाँ अग्रीड की हम लोग अवेयर और होना चाहिए लेकिन अगर कोई सात आठ साल का बच्चा हो उस पर आप कैसे बोल सकते हो कि उसको अवेयर और होना चाहिए वो तो उसका कोई गलती नहीं है और आप अगर ये थोड़ा एक बार सोचिए एक साइड में एक आठ साल का बच्चा है जिसको कोई चिप्स खाने का मन कर रहा है कुछ दूसरे साइड में जो ये कंपनीज हैं उसमें दस पंद्रह बीस आई आई और सुपर स्मार्ट लोग बैठे हैं जो मार्केटिंग टीम में है कि हाँ प्लान कर रहे हैं अब हमें ये आठ साल के बच्चे को कैसे और खाना खिला पाएं एक तरफ से एक लड़ा कॉम्पिटिशन है बिटवीन अ फिफ्टीन ट्वेंटी आई आई टी आई एम पीपल एंड वन एट ईयर ओल्ड किड जीतेगा तो आई आई वाले लोग ही ना right. क्योंकि वो मार्केटिंग टीम में इतना दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ हम कैसे ये कलर यूज़ करें पैकेजिंग में कैसा उसको टेस्ट प्रोफाइल करें कैसे सेलिब्रिटी को यूज़ करें चलो ये बच्चा है आठ साल का तो उसको क्रिकेट अच्छा लगता होगा तो क्रिकेटर को लाते हैं उसको एक्टर अच्छा लगता होगा तो एक्टर को लाते हैं तो वो वैसे ही डिज़ाइन करते हैं कोई इन्फ्लुएंसर को भी लाते हैं तो वैसे ही इन्फ्लुएंसर को लाते हैं जो बच्चे लोग फॉलो करते हैं हाउ विल एन एट ईयर ओल्ड विन एक आठ साल का बच्चा कैसे जीतेगा पंद्रह बीस जो मार्केटिंग टीम जो एकदम टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग के साथ एथिकल मार्केटिंग की आपने बात की सो हाउ दिस प्रैक्टिस कैन बी एनहेंस्ड अकॉर्डिंग टू यू ये कैसे और एनहेंस हो सकती है क्या एजुकेशन uh, सिस्टम में हो या स्कूल लेवल पे इस पर काम किया जाए ताकि कल को जो आपने कहा आई आई या जो भी लोग आगे जाके रन करेंगे अगर इनको बचपन से एथिक्स पे बहुत ज़्यादा टीचिंग्स दी जाए या घर पे वो माहौल मिले तो डू यू थिंक उससे कुछ फर्क आएगा या फिर थोड़ा तो फर्क आएगा आई I मीन mean, अभी तो सोचते ही नहीं हैं लोग मैं कुछ कॉलेज एम बी ए बॉम्बे में भी बात किया कुछ एम बी ए स्कूल्स में और सब में कि कैसे एथिकल मार्केटिंग के ऊपर बात किया कि यू नो कैन वी कीप प्रॉफिट एंड पीपल टुगेदर पॉसिबल है नहीं या ये खाली हवा में बात है कि हाँ वो खाली बोलने का बात है लेकिन कभी होगा नहीं तो ये हमने काफ़ी लाइक ना सिक्सटी सेवेंटी एम बी स्टूडेंट्स के साथ बात किया और काफ़ी बार मैं ये बात किया हुआ हूँ सो अब वो स्टूडेंट थोड़ा और सोचेगी हाँ क्या ये सही है या नहीं बिकॉज पीपल क्या करते हैं वो दो ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ लीगल दे थिंक इट इज़ एथिकल कि हाँ ये लीगली करेक्ट है लीगली तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं तो सही है बट मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज कुछ लीगल है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एथिकल है लीगल और एथिकल दो अलग चीज़ होता है राइट कभी कभी कुछ लीगल भी होता है और एथिकल नहीं होता है राइट वही मैं थोड़ा बहुत लोग को सिखाने का कोशिश करता हूँ बट टू आंसर योर क्वेश्चन मेरे हिसाब से हाँ ये स्कूल का पार्ट होना चाहिए फिलोसफी साइकोलॉजी सब थोड़ा और पढ़ाना चाहिए हमें स्कूल में एथिकल मार्केटिंग भी पढ़ाना चाहिए स्पेशली अगर आप एम या कोई बिजनेस डिग्री कर रहे हो तो डेफिनेटली की आप आगे जाके आप ही सी ईओ सी एम ओ बनोगे कोई बड़ा कंपनी का आप ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगे तो अगर आप थोड़ा और अवेयर होंगे तो प्रॉबली बेटर डिसीजन ले और इसमें किस तरीके से आ सकती हैं जैसे आपने कहा लीगल और एथिक्स साथ नहीं चलते मगर उसको कुछ साथ लाने का प्रयास तो किया जा सकता है तो दो तीन तो चीज है एक है स्पेसिफिकली अगर फूड के बारे में बात करें अभी एक है कि एजुकेशन करिकुलम में हम एज यू सेड एथिकल मार्केटिंग टाइप का चीज कुछ लाएं सेकंड है कि आप एडूकेशन में फूड को लाएँ जैसे तो ये मैं बहुत बार बोला हूँ कि हमें स्कूल में फ़ूड के बारे में सिखाना चाहिए कि कैलोरी क्या होता है प्रोटीन क्या होता है कितना हमें प्रोटीन दरकार है बॉडी को कितना ग्राम शुगर एक टी में होता है ये सब बेसिक बेसिक चीज़ हमें सिखाना चाहिए स्कूल में और मैं भी कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ कोई हेल्थ हेल्थ एक्सपर्ट सबके साथ की क्या हम स्कूल में फूड को ला सकते हैं और स्कूल में इमेजिन सिखाए कि हमें कि चलो एक ग्रीन कलर है ग्रीन कलर क्यों यूज किया जाता है क्योंकि एक मार्केटिंग कि में क्योंकि हम ग्रीन को एसोसिएट करते हैं नेचर से पेड़ पौधा ये सब से तो हमें लगता है कि नेचुरल हेल्दी है तो अगर हमें स्कूल में सिखाई है तो हमें प्रोडक्ट थोड़ा और जब हम जब कोई मार्केटिंग देख रहे हो हमें समझ में आ जाएगा ये तो मार्केटिंग है तो दो तीन तरीका है एक है कि स्कूल में हम एथिकल मार्केटिंग सिखाएं हम फूड सिखाएं स्कूल में उसके आउटसाइड है कि जो पैकेज है लाइक एफ एस एस डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो थोड़ा और इनफोर्स करें अपने रूल्स रूल्स है, ये नहीं कि रूल्स हैं कि नहीं है, वो थोड़ा और करें स्ट्रिक्टली कि क्या अलाउड है बोलना क्या नहीं है अलाउड बोलना राइट तो इम्पैक्ट ज्यादा आई थिंक सो यस सक्सेस की लोग बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में आपको तो जो जितना सारा इम्पैक्ट मिला अटेंशन मिली सोशल मीडिया पे क्या ये ओवरनाइट था या इसके पीछे एक बहुत सालों की मेहनत है जो शायद अब रिजल्ट्स में आपको दिख रही है हनी ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होता अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल भी जाता है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे राइट मेरा क्या था एक बॉनविटा वीडियो खाली वायरल नहीं हुआ उसका सेकेंड वीडियो भी वायरल हुआ थर्ड भी वायरल हुआ फोर्थ भी वायरल हुआ फिफ्थ भी वायरल हुआ क्योंकि मैं लास्ट सात आठ साल से एक कर रहा था मुझे आइडिया था कि जब हुआ वो फाइनली सक्सेस जो थोड़ा मिला कि इसको कैसे अब सस्टेन कर पाओ क्योंकि मैं आठ साल से दस साल से कर रहा था वो तो एज यू सेड मैं ट्वेंटी अभी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हो गया है कभी बिलीव नहीं कर रहा ट्वेंटी फोरटी ट्वेंटी फिफ्टीन में मैं किताब लिखा था दस साल पहले दो साल पहले किताब लिखा था ट्वेंटी सिक्सटीन में पब्लिश हुआ लेकिन ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन में मैं लिखा वो किताब में एक पूरा चैप्टर है न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर कि क्यों न्यूट्रिशन लेवल इंपॉर्टेंट है और तब से मैं बहुत सारे इवेंट्स में बहुत सारे अलग अलग जगह में बात किया हूं उसके पहले मुझे कोई सीरियस नहीं लिया और स्पेशली किताब में आजकल कौन किताब पढ़ता है तो प्रॉब्लम ये था कि मैं मीडियम जो यूज़ कर रहा था वो गलत था गलत नहीं है मतलब किताब मैं अभी भी मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ किताब को लेकिन लोग उतना नहीं पढ़ते अब मैं फाइनली समझ में आया है कि आपको वही मीडियम यूज़ करेगा करना होगा जहाँ ऑडियंस है ऑडियंस एट दिस मोमेंट इंटरनेट में है लाइक सोशल मीडिया पे है तो अब मैं वो मीडियम में और वो मीडियम में मुझे तो कुछ हद हाँ तक सक्सेस मिली है सो so, उससे लिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं ओवरनाइट उनको क्या पता कि मैं से पीछे <laughs> exactly. अच्छा इफ़ आई जब एल नया नया शुरू हुआ था तो ईशान शर्मा को जितने में खरीदा था तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी बन रही थी कि हर एक बॉल का उसको एक लाख रुपया मिल रहा है कि आई में एक बॉल फेंकने का एक लाख रुपया उसको मिलेगा

इम्पैक्ट आ रहा है दूसरी तरफ सडनली कुछ लीगल इश्यूज और बहुत सारा थ्रेट और वो सारी चीज़ें हुई आई थिंक वीडियो भी आपको टेक डाउन करना पड़ा था yeah. वो वाला और बिल्कुल इंडिया में आके आप वापिस शुरू कर रहे थे और एकदम से सक्सेस और साथ में ये सब चीज़ें तो उस समय जो वो स्ट्रेस था या डर था वो किस तरीके से हैंडल किया व्हाट यू वेंट थ्रू इन 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 दो पीरियड्स काफी डिफिकल्ट पीरियड टू बी वेरी ऑनेस्ट और मैं बेसिकली मैं आपको बताता हूँ मैं मार्च एंड अप्रोक्सीमेटली आया था वापस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अभी मतलब नौ महीना हुए अबाउट और मैं काफ़ी यू एस में अच्छा जॉब कर रहा था मतलब काफ़ी अच्छा कमा रहा था और वहाँ पर दस तेरह साल से था मतलब मैं सेटल था यू एस में तो यू एस में मैं जॉब छोड़ दिया एक तो आया हूँ पहला वीडियो बनाया हूँ बॉन्विटा के ऊपर पूरा नेशनल कॉन्ट्रवर्सी बन गया टी वी पर है ये जगह है मुझे लीगल नोटिस मिल गया और खाली वहाँ से नहीं चार और जगह से मिला वो मीडिया कवर नहीं किया लेकिन वो चार और जगह से मिला था जी तो पहला दो हफ्ता यू एस आया हूँ जॉब छोड़ दिया हूँ दो हफ्ते में मुझे चार या पांच लीगल नोटिस मिल गए हैं और पूरा टीवी में खाली इसके ही बात हो रहा है तो आप इमेजिन करो घर पे मुझे कितना लोग एक गाली एक मैं क्या बोलूँ बट लाइक डांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि ना ही तो पैसा कमा रहा है वैसा अपना जब छोड़ दिया तो अपना वीज़ा छोड़ दिया तो यू एस में लोग सालों साल लगाते हैं वीज़ा के लिए मैं वो छोड़ दिया मैं इंडिया आ गया हूँ कोई मुझे आइडिया नहीं है मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ और अलग से लॉयर का खर्चा अलग और कोई आइडिया नहीं है ना क्योंकि लोग पहले बार हो रहे हैं तो लगता है कि क्या वो गुंडा भेज सकते हैं यू नो ये सब टाइप का लोग को फियर रहता है कि ये बड़े बड़े कंपनीज हैं क्या वो क्या क्या कर सकते हैं सो so, बिगनिंग में तो बहुत ज़्यादा ही वो था मतलब uh, तो फैमिली ने मुझे बोल रहा था कि आपको घर पे भी नहीं रहना चाहिए कि बाई चांस कोई कुछ को भेज दिया नॉट कि मुझे घर से निकाल रहे थे बट उनको डर था कि कहीं कोई हाँ, गुंडा आ थ्रेट हाँ, आ जाए जाए हाँ, थ्रेट तो बहुत ज्यादा वो सब था और लेकिन बहुत पब्लिक सपोर्ट भी था yes. बहुत ज्यादा मतलब जो सब वर्ड यूज कर रहे थे मैं खुद अगर बोलूंगा तो मैं बोलूँगा मुझे एमरसिंग फील होगा लेकिन जो जो लेवल ऑफ पब्लिक सपोर्ट था वो इंसेन था तो मैं विद इन वन वीक मैं थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस और वो सब वापस रिगेन किया तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाया बिगनिंग में तो थोड़ा सा एक थोड़ा और नॉर्मल टोन में बनाया बट एक हफ्ता के विद इन मैं बहुत स्ट्रांग बनाया कि आओ पब्लिक डिबेट पे आओ मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड और कॉन्फिडेंस के साथ बनाया तो वो लोग को भी पब्लिक भी बहुत और सपोर्ट किए कि हाँ मतलब right. जब आप एक दो साल बाद वो सब वापस देखोगे तो आप मुझे लगता है कि ये जो एक डिसीजन लिया कि मैं की स्ट्रॉन्ग वे में बात बात करूँगा वो काफी मेरे हिसाब से वो अच्छा था और हाँ। आपने दिखाया एक पीछे हटने के बजाय यू द करेज कहीं ना कहीं वो लोगों का प्यार ही था जो एक करेज और कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुआ फिर सरकार ने भी सपोर्ट किया मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टेड अनबल चीज है ये सब कहा से कहा से हुआ तो आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ मैं वो वीडियो बनाया लीगल नोटिस मिला मुझे मैं वीडियो हटा दिया जी बहुत ज्यादा मीडिया ने कवर किया फिर कंपनी ने बोला कि मेरा वीडियो साइंटिफिक नहीं है है कि ये जो भी बोल अनसाइंटिफिक फिर इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर के बॉडीज आठ सीनियर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट लोग उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया मैं जानता नहीं हम लोग कौन है अच्छा उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया और बोले कि मेरा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है अच्छा। <laughs> और उसके एक हफ्ता बाद गवर्नमेंट ने उन्हें बॉन्विटा को लीगल नोटिस भेजा कि आप अपना पैकेजिंग हटाओ तो दो तीन हफ्ते पहले बॉन्विटा ने मुझे लीगल नोटिस भेजा उसके दो हफ्ता बाद गवर्नमेंट ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा अपना पैकेजिंग हटाने के लिए लाइक इनसेन like, कि डेढ़ मिनट का इंस्टाग्राम रील के कारण ये हो गया एंड wow. फिर लोग ने मरीन ड्राइव जो मुंबई में वहाँ होर्डिंग लगाया अगेन मुझ जा, मैं जानता आज तक नहीं जानता हूँ कि कौन ये लगाया बॉन्डविटा bon के अगेंस्ट कि मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फ्रेजिंग क्या था कि स्वीट बिटर ट्रूथ रिवील्ड या स्वीट समथिंग आया मुझे याद नहीं है बट एक कोई बॉन्डविटा bon के अगेंस्ट होर्डिंग लगाया और फिर आठ महीनों के लाखों लाखों पेरेंट्स में मजाक मुझे लाखों में वर्ड यूज कर रहा हूँ लिटरली लाखों पेरेंट्स ने मुझे या तो ई किया है या मैसेज किया है या कोई ना कोई फॉर्म में बताया है कॉमेंट किया है कि हम पहली बार लाइफ में लेबल पढ़ने लग गए हैं और खाली बॉनविटा के बारे में ये स्टोरी नहीं है हर एक प्रोडक्ट चाहे वो आपको बोलता है लंबा बनाएगा चाहे वो बोलता है हेल्दी बनाएगा इम्यूनिटी सपोर्ट करेगा कोविड के बाद सब प्रोडक्ट बोलते हैं इम्यूनिटी सपोर्ट यस yes. <laughs> तो लाखों पेरेंट्स ने बोला अरे मैं तो रियलाइज ही नहीं करता था कि मैं तो जो देख रहा था अरे विटामिन सी ले जाता चलो विटामिन सी मिल जाएगा रियलाइज ही नहीं करता था तो लाखों पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अब मैं बच्चे को थोड़ा सोच समझ के देता हूँ मैं खुद भी थोड़ा सोच समझ के खाता हूँ सबसे शॉकिंग बात हुआ अभी दो तीन हफ्ता पहले बॉन्विटा bon ने अपना शुगर कम कर दिया पंद्रह परसेंट से wow. इसकी की एक मिनट का इंस्टाग्राम वीडियो से क्या सब हो गया बॉन्विटा bon ने लॉन्च किया था इंडिया में 1948 इंडिपेंडेंस के एक साल बाद और ये एक ब्रिटिश कंपनी है कैडबरी ओके हमेंटीन फोर्टी एट में ब्रिटिश वाले लोग लॉन्च किए bon किएटा की चलो यू नो इंडियन मार्केट है वहाँ जानते हैं हम लोग आप राइट इंटेंशन के साथ में वैल्यूएल कॉन्टेंट दे रहे हो तो सबके लिए जगह सबके लिए जगह है uh, लाइक like, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा कॉन्टेंट का सपोर्ट कर रहे हैं जी मैं टू सम एक्सटेंट अग्री भी करता हूँ क्रिंच का पता नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट दो चीज होता है एंटरटेनमेंट और इम्पैक्ट आप वर्ल्ड ओवर देखोगे टॉप टेन मोस्ट फॉलोअ पीपल ऑन इंस्टाग्राम सब एंटरटेनमेंट फील्ड से होंगे चाहे आप इंडिया में भी देखोगे सब या तो एक्टर होंगे या स्पोर्ट्स पीपल होंगे और जो इन्फ्लुएंसर भी होंगे सब मोस्टली सब कॉमेडी वाले होंगे Entertainment, pranks, इस तरीके हाँ, की हाँ. चीजें होंगी, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ बट लोग को एंटरटेनमेंट पसंद है और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मुझे भी पसंद है, लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है इम्पैक्ट मिल रहा है लोग ज्यादातर एंटरटेनमेंट चूज करेंगे उसी लिए आप कोई भी यूट्यूबर को देखोगे जिसका 25 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन सब्सक्राइबर हो सब एंटरटेनमेंट वाले होंगे ज्यादातर तो मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि मैं इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बट क्या मैं एंटरटेनमेंट को घुसा सकता हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो ऑल द सीरियस ही होता है बट थोड़ा बहुत दस सेकेंड में अगर अगर एक मिनट का वीडियो है तो क्या मैं पाँच दस सेकेंड ह्यूमर नहीं घुसा सकता हूँ तो क्यूँकिनमेंट चाहिए है, जो जिम जा रहे हैं और जो बॉडी बन रहे उनके लिए नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बाकी 99% के लिए वीडियो बना रहा है जो हेल्थ नहीं कॉन्शियस नहीं है और अगर आप सीरियस एकदम बात करोगे इतना प्रोटीन चाहिए आपको इतना तो वो खाली 1% देखेगा अरे मेरे को तो बाकी नाइनटी नाइन जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उनको दिखाना है ना और जब मैं सोचता हूँ जब मैं सत्रह साल का था अगर कोई मुझे प्रोटीन का वीडियो दिखा मैं कभी नहीं देखता <laughs> कभी नहीं देखता अगर कोई मैं, को मुझे बोलता कि अरे कोक में बहुत शुगर है मैं कभी देखता ही नहीं वो वीडियो तो मुझे वो जो आज के जो ओल्ड है उनको वीडियो दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा एंटरटेनमेंट के साथ अगर मैं सीरियस में बोलूंगा अरे कोक मत पियो इसमें बहुत शुगर है तो नहीं देखेगा वो मैं भी नहीं देखता ना मैं सोचा था मैं भी नहीं देखता तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता कि वो देखेगा वट इज द रोल ऑफ हैविंग पर वॉट एवर यू डूस ऑफ परपजस होना एक सेंस ऑफ मिशन होना वो कितना जरूरी है बिकॉज uh, मुझे एक वर्ड बड़ा पसंद है आपका पॉजिटिव अग्रेशन एक मोमेंट सा आपने इसमें चलाया है सो वॉट इज द रोल ऑफ हैविंग अस ऑफ मोमेंट और मिशन इन योर लाइफ आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थोड़ा फिलोजफिकल वे, वे में आंसर करूँ हजारों साल पहले आर ओनली एम एज सर्वाइव करना है हमें राइट right. फिर हो गया मनी लाइक हमें पैसा कमाना है फिर हो गया हैप्पीनेस कि हमें हैप्पी होना है फिर हो गया मीनिंग कि हाँ कुछ लोग बोलते हैं हाँ हैप्पीनेस तो आज तो हैप्पी है तो कोई एंटरटेनमेंट मूवी देख रहे हो तो हैप्पी है कल तो हैप्पी नहीं है फिर हो गया लाइफ में कोई पर्पस चाहिए तो हम धीरे धीरे और आज भी वो क्योंकि हम

आई गेस नॉलेज से होते हैं कि आप फिर वो धीरे धीरे करके आप पर्पस के थ्रुअ जाते हो तो आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड फॉर ऑफ पीपल मेंटल हेल्थ पे हम बड़ा फोकस करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर सो जंक फूड लाइफ और मेंटल हेल्थ इन तीनों के बीच में अगर एक कनेक्शन आप बता सकें तो फनी सा लाइन है मेरा इनफैक्ट जो मैं बोला था ना हेल्थ के ऊपर मेरा एक चैप्टर था बुक किताब में जो मैं लिखा था साइड पहले तो वो हेल्थ का चैप्टर का नाम था स्ट्रेस्ड Spelled backwards. Ah, oh, what? Stressed spelled backwards the desserts. Yes. So, जब हम stressed होते हैं, हम ice cream खाते हैं, dessert खाते हैं। Right. So वही था कि आप अगर mentally happy नहीं हो, ज़्यादा likelihood हो कि आप physically भी गलत decision लोगे अपने health के लिए। सो so, मैं खुद देखा हुआ अगर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हुआ तो एग्ज़ाम है था पहले या कोई मेरा कुछ इशू चल रहा है तो मैं जंक खाने लग का था सो so, वही है कि आप अगर थोड़ा मेंटली भी थोड़ा और एट ईज हो आप फूड में भी बेटर चॉइसेस लेते हो एंड आप अगर हेल्दी खा रहे हो तो आपका बॉडी भी थोड़ा बेटर कर रहा है तो आपका माइंड पर भी थोड़ा इम्पैक्ट करता था आई फील देट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग को बिटवीन एवरी थिंग एंड आई फील इफ़ यू आर हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ यू कैन सिस्ट आपका लाइफली हु ऑफ चूजिंग हेल्दी और फूड थोड़ा भर जाता है कि आपको लगता है हाँ यार चल अब मुझे लग यू नो डोपीन सबको चाहिए होता है आपको तब खाने से डोपामीन का दरकार नहीं होता उतना आप ऑलरेडी लाइफ में इनफ डोपीन है आपको खुश लग यू नो यू आर गेटिंग तो आपको वो वाला डोपमीन उतना दरकार नहीं होता अभी जैसे हमने बात करी कि अगर राइट माइंड रहता है तो बॉडी पे भी इम्पैक्ट आता है सो वट इज़ योर टेक ऑन बॉडी माइंड कनेक्शन दैट आजकल हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस की भी बात करते हैं कि साइको मीनस माइंड एंड सोमा सोमामीस बॉडी तो माइंड से भी कई बार बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी में आती है सो वट इज योर टेक ऑन दिस आई हैव सीन लाइक स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल जी बहुत बड़ा रोल देता है इनफैक्ट लोग आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे तो वो यूजुअली पिल्स रेकमेंड करते हैं और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ वो उस पर ट्रेंड है uh, लेकिन इतने सारे ऑल लाइफ में वो और बहुत बड़े स्लीप स्ट्रेस वाटर फूड योर मेंटल हेल्थ लाइक हर एक चीज का इतना बड़ा रोल है टुवर्ड्स इलनेस एंड द मोर एंड मोर न्यू रिसर्च व्हिच कम्स इन इज लाइक एक कोई कारण के लिए नहीं हुआ ये हर एक चीज धीरे धीरे करके वो अप होके वो उसके कारण आपको एग्जैक्टली ऑल दो मैं यूजअली पर्सनल एक्सपीरियंस को बोलता नहीं हूँ लोग को देखने हम बोल, मैं मुझे बोलता साइंटिफिकली देखो लेकिन अब पर्सनली भी आप देखे होंगे अपने रिलेटिव में या फ्रेंड्स में कि कुछ लोग एकदम हैप्पी एकदम अच्छे हेल्थ से सब कुछ सीखता है लेकिन उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस आया चाहे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा या कोई और स्ट्रेस होगा फिर आप देखे होंगे एक दो साल में वो बीमार भी रहने लग गए राइट right. और उनको काफी गंभीर बीमारियां भी होने लग गए क्योंकि वो मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रेस में थे सो so, वो एक कोरिलेशन तो स्ट्रांगली है कि आपको अगर आप एट पीस नहीं हो तो सोनर देन लेटर आपको कुछ ना कुछ बीमारी तो आएगी गई कुछ ना कुछ इश्यू तो आई जाएगा वेल oh. सेट well तो आपने अपनी बुक में भी हेल्थ का टॉपिक और न्यूट्रिशन के टॉपिक लिए हैं सो so, 2014 की आप बात कर रहे हैं यानी कि 24 भी नहीं मेरे ख्याल से इक्कीस बीस साल के आप रहे होंगे उस टाइम पे तो व्हाट एक्साइटेड यू हाउ दिस आइडिया ऑफ राइटिंग बुक केम इन टू यर माइंड मैं पहला अपना लाइफ में जॉब कर रहा था यूएस में था और मैं काफ़ी अपनी जॉब के टाइम करना नहीं चाहिए बट मैं काफ़ी गूगल करता था कुछ मेरे थाट्स होते थे और मैं रियलाइज करता था कि हम छोटे चीज़ में बहुत सोचते हैं लाइक like मैं अगर आपको बोलूँगा आपको आइल सीट बेटर लगता है विंडो सीट अब उस पर आपको ओपिनियन होगा कोई हाँ नहीं मुझे आईल सीट बेटर लगता है नहीं विंडो सीट बेटर लगता है आपको मैं कोई पूछूंगा कोई एक्टर की अच्छा आपको रणवीर सिंह बेटर लगता है रणबीर कपूर आपका उसमें ओपिनियन होगा लेकिन जो बड़ा चीज़ होता है ना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी और बोलता हूँ हम जब खाना ऑर्डर कर रहे हैं हम रेटिंग देखते हैं रेस्टोरेंट का हम नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं हम देखते हैं रेटिंग लेकिन हम जब रिलीजन चुन रहे हैं अपना जो अपने पेरेंट्स का रिलीजन है वो ही हम रिलीजन फॉलो करते हैं उसमें हम नहीं देखते हैं कि अच्छा ये दस रिलीजन है ये दस में कौन सा बेस्ट है जो छोटा चीज़ है ये खाना कहाँ से ऑर्डर करना है उसमें हम आधा घंटा आगे कर लेंगे एक घंटा आगे कर लेंगे मूवी देखना है दो घंटा लगाएंगे ये रिव्यू पढ़ेंगे ये करेंगे दस रिलीजन का रिव्यू नहीं पढ़ेंगे सेम डाइट के साथ अ पर्सन बॉर्न इन नॉन वेजिटेरियन फैमिली विल यूजअली बी नॉन वेजिटेरियन अ पर्सन बॉन वेजिटेरियन फैमिली विल यूजली बी वेजिटेरियन एंड फिर वो जस्टिफाई करेंगे वेजिटेरियन है वो जस्टिफाई करेगा अरे कि एनिमल को नहीं खाना चाहिए वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो जस्टिफाई करेगा अरे प्लांट्स में भी तो लाइफ होता है सब लोग अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत या सही है पॉइंट है कि जो छोटे मोटे चीज़ है उसमें हम अगेन एक घंटा लगाएंगे नेटफ्लिक्स के लिए लेकिन एक घंटा ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा डायट बेटर है और ये जो डेटर ड्रेवन लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े कॉलेज में गए हैं आई आई टी आई एम मैं भी काफ़ी मतलब फेमस कॉलेज में गया था वो लोग भी यही सेम चीज़ सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं जो बिलियनज हैं स्टार्टअप फ़ाउंड किए हैं बड़े बड़े कंपनी फाउंड किए हैं उनको भी कोई आइडिया नहीं है उनको पूछो कि आप वेजिटेरियन क्यों हो या नॉन वेजिटेरियन क्यों हों वो बोलें हाँ मैं बचपन से हूँ बस कोई आइडिया नहीं है राइट right. तो मुझे वो इरीटेटिंग लगा और मुझे लगा कि ये टॉपिक लोग को सोचना चाहिए जो आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो आपको सोचना चाहिए क्यों तो उसके कारण मुझे लगा कि मुझे इसमें किताब लिखना है और तो, तो इसलिए मैं हर एक टॉपिक में चाहे हेल्थ हो या फाइनेंस हो या रिलीजन हो मैं कोशिश किया एक डेटा ड्रीवन वे में एक साइंटिफिक वे में वो टॉपिक को लेने का कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर इंटेंशन बट कई बार oh. जैसे डेटा ड्रिवन अप्रोच हम रखें सो सभी ह्यूमन सेम नहीं है कि जहाँ पे वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सकें

उतना एडुकेटेड नहीं हो या आप उतना वैसे सोच नहीं पा रहे हो एडुकेटेड खाली जरूरी नहीं पढ़ाई वाले एडुकेटेड yes. अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको कोई रूल्स बता दे कि हाँ ये दस चीज़ है ये इसको फॉलो करते रहो पूरा लाइफ तो वो अगर आप वैसे हो तो हाँ करो लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपने आप को एडुकेटेड मानते हो अगर आप जा रहे हो इतने बड़े बड़े कॉलेज जा रहे हो आप ऐसे इतना शो ऑफ करते हो आपका नहीं बात कर रहा हूँ कोई इन जनरल बात कर रहा हूँ अगर कोई बोल रहा है अरे मैं ये कंपनी फाउंड किया मुझे वीसी इन्वेस्ट किया है और आपको पर्सनल लाइफ में कोई आइडिया नहीं है क्यों आप क्या कर रहे हैं right, right, right. आपको पेरेंट्स बोल कि हाँ ये सही है, आप उसी वो फॉलो कर रहे हो और कोई कारण नहीं है और वो इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन है आप लिटरली जब मर भी रहे हो तो आपको वही बेसिस जो आप रिलीजन है उसके बेसिस पे आपको जो भी कर जाएगा, जाएगा, जाएगा

इनफैक्ट को इंसिडेंटली जब फेमस हुआ उसके तीन चार महीना पहले ही बंद हो गया बिकना अच्छा पब्लिशर बोल रहे हैं मुझे एक अपडेटेड वर्जन लिखने लेकिन अभी मैं काफी इधर उधर टाइम में मुझे थोड़ा निकालना होगा तो आई थिंक यू शुड राइट बिकॉज दीज आइडियाज आर वेरी प्रोवोकिंग आई थिंक कि नॉर्मल आइडियाज नहीं है रेडिकल है काफी एंड मोस्टली दैट्स व्हाट यू डू पॉजिटिव एग्रेशन वन मोर थिंक वी वर टॉकिंग दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन आई एम बैंगलोर एंड देन यू डिडंट गो देयर

कोई भी आज आई आई टी या आई एम पढ़ने के लिए नहीं, नहीं आता है ये नहीं है अरे मुझे वो क्लास जाना है मैं वही क्लास वहीं पर ले पाऊंगा उसके कारण मैं इतना सीखूंगा वहाँ पर जी वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो या आपको कहीं और से भी सीख सकते हो ये कोई भी क्लास में पढ़ने नहीं जा रहा है वो कॉलेज वो जा रहा है ताकि मेरे को लाइफ लॉन्ग बोलेंगे अरे मैं आई में गया या मैं आई में गया तो वो ब्रांड के लिए जा रहा है और वो ब्रांड क्यों है क्योंकि वो कॉलेज में घुसना बहुत मुश्किल है Right. और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लोग बोलते ना अरे मुश्किल चीज़ करो मुश्किल चीज़ करो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जस्ट बिकॉज कुछ मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़फुल है जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट डेंट मीन इट इज़ यूजफुल एंड बहुत लोग आजकल पूरा लाइफ ही लोग का लाइक like, बहुत लोग का रिवॉल्व होता है ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है बट लाइक like, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं मेरे हिसाब से ठीक है आप अगर आपको कुछ हैप्पीनेस मिला करो लेकिन बहुत ग्लोरीफाई करते हैं ये सब जो मुश्किल चीज़ कर रहे हैं अरे माउंटेन क्लाइम कर लिया मतलब न्यूज़पेपर में आ जाएगा कुछ लोग फुल मैराथन भाग रहे हैं फोर्टी टू किलोमीटर्स इवन तो उसका नीज़ में इफेक्ट पड़ता है ख़राब होता है नीज़ के लिए इतना इतना लंबा भागना अनलेस आप बहुत साइंटिफिकली कर रहे हो तो मैं इतना मुश्किल चीज़ को वैल्यू नहीं देता हूँ क्यों आप कर रहे हो क्यों कितना फोर्टी टू किलोमीटर्स जा रहे हो आप क्यों माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो क्यों आई एम जा रहे हो मतलब मुश्किल है इसीलिए जा रहे हो मतलब तो जस्ट बिकॉज कुछ मुश्किल है उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ वो हो रहा है ऑफकोर्स आप अगर अल्टीमेटली आपका एंड गोल है कि आप वो, वो मुश्किल के आपका इतना इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे कि आप कुछ और अच्छा कर पाओ राइट right. वो अलग बात है तब हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ बट अगर आप खाली सेक ऑफ इट के लिए खाली मुश्किल चीज़ एक से हाँ मैं मुझे प्रूव करना है अपने आप को हाँ मैं कर सकता हूँ खाली वही पूरा लाइफ अगर आप खाली वही करते रहो ना तो अपने आप को प्रूव ही करते जा रहे हो

पेरेंट्स को समझाना भी बहुत मुश्किल है कि मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं नहीं मैं ब्लूम्सबरी या जो भी मैं मेरा बुक पब्लिश करना है तो मुझे उसमें फोकस करना है तो वो काफ़ी एक बोल्ड डिसीजन था it is, it is. और मैं जोक करता था घर पे कि जो बड़े बड़े लोग हम सुनते हैं ना मार्क जकबर्ग स्टीव जॉब्स वो सब तो ड्रॉप आउट्स हैं और मैं एक स्टेप फर्दर जा रहा हूँ मैं ड्रॉप आउट नहीं मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ इमेजिन <laughs> करो तो मैं कितना सक्सेसफुल <laughs> तो ये मैं जोकर घर पे ऑब्वियसली लेकिन एक और चीज भी है कि मैं फिर नहीं गया बुक पे फोकस किया मुझे उस समय आइडियलिज्म था कि अरे आप बुक बेचोगे और आप बड़े बन जाओगे यू नो होते हैं ना अब जेके रोलिंग बड़ी बन गई और मेरा मेरा बुक भी ब्लूजबरी पब्लिश किया था जो हेरी पॉटर वाला पब्लिश है okay. तो मुझे भी लगा अरे ब्लूजबरी पब्लिश करेगा मैं भी बड़ा बन जाऊंगा लेकिन मैं अब रियल उससे मैं रियलाइज किया बुक्स में बहुत कम पैसा है और आप सस्टेन नहीं कर यूजली नाइनटी परसेंट आप सस्टेन नहीं कर पाते हो जब थोड़ा जमाना बदल गया है हाँ अब लोग क्योंकि डिजिटल वर्जन पे ज्यादा कंफर्टेबल कम, है पॉडकास्ट लिसनिंग करना पड़ा तो so, मैं आई एम बैंगलोर नहीं गया लेकिन दो साल बाद मैं वापस एमबीए अप्लाई किया वॉडन में गया तो so, वो एक काफी लंबा जर्नी था मैं एक बार तो वो बोल रहा था अरे मैं नहीं गया एम बी ए फिर जाना पड़ा इवेंचुअली तो यहाँ पे एक अच्छा अपने एक फिलोसॉफिकल पॉइंट दिया कि हर चीज जो डिफिकल्ट ज़रूरी नहीं कि यूजफुल हो बट किसी भी चीज़ की यूजफुलनेस या उसकी यूटिलिटी इन जनरल तो हम डिफाइन नहीं कर सकते इट्स अ वेरी परसेप्शन बेस्ड एंड रिलेटिव थिंग्स सो हाउ दिस इफ यू कैन मेक इट मोर क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ ऑफकोर्स कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल के लिए यूजफुल होगा क्लाइम करना मे बी फॉर यू हाउ डू यू डिफाइन यूजफुलनेस किसी भी चीज़ की यूजफुलनेस किस पैरामीटर पर है अकॉर्डिंग टू यू दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और uh, मुझे खुद भी एक प्रॉपर आंसर मैं शायद ना दे पाऊँ और उसमें क्लियर हूँ लेकिन यूजफुलनेस मेरे हिसाब से है एक अगर आप खुद आपको कुछ उससे इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और दूसरा क्या आप उसके बेसिस पे जो आप लर्न कर रहे हो आप अदर्स को भी ज़्यादा कुछ एक इम्प्रूव कर पा रहे हो लाइक फॉर वॉट एवर रीजन लाइक इन वॉट एवर कैपेसिटी अगर आप खुद इंप्रूव हो रहे हो और दूसरा अगर आप वो स्ट्रेंथ दे रहा है आपको या नॉलेज दे रहा है क्योंकि तो आप अलग दूसरे लोग को आप इम्प्रूव करा पा रहे हो राइट right. मेरे हिसाब से बहुत सारा कुछ होता है वो खाली ईगो के लिए होता है मतलब उसका गलत नहीं है करना लाइक आप सुडोकु का हार्ड वर्जन हर दिन कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है करना लेकिन आप खाली अगर वही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो फिर आप जो आप यूज कर रहे हो अपना दिमाग अगर आप खाली वही Puzzle ही सॉल्व करते रहो या डिफिकल्ट right, कि किसी ऐसे काम पे लगाओ रिसोर्स जहाँ पे कुछ इंपैक्ट भी हाँ, होता हाँ, हाँ, exactly. तो मैं यही बोलता डिफिकल्ट प्रॉब्लम है चाहे वो पॉवर्टी हो या क्लाइमेट चेंज हो या इवन पैकेज फूड लाखों बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो वो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो रादर देन कि खुद को एक खुश करने में अरे मैं अब लंबा भागूंगा और लोग ताली बजाएंगे

आई हैव अ फिलोसफी इन इज कॉल्ड मिनिमाइज रिग्रेट्स डोंट मिनिमाइज मिस्टेक्स गलतियाँ ठीक है रिगरेट कम करो और वो आई आई एम से भी कनेक्टेड है कि आई आई एम नहीं गया वो एक गलती था हो सकता है डेफिनेचुअली like मैं एम भी गया तो शायद से अगर मैं स्मार्ट स्टेट लेता आई आई एम जाते ही नहीं लेकिन रिगरेट नहीं करो मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैं नहीं गया तो कोई भी चीज़ हो रिग्रेट्स अपना कम रखो गलतियाँ होते रहेगा Second, I would want to say is कि जो भी आप कुछ लाइफ में कर रहे हो उसको क्वेश्चन करो कुछ भी चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो खाना हो चाहे वो आप किसी को मैरिज हो या कोई भी कुछ हो क्वेश्चन करो कि क्यों और कैसे लाइक यू नो वाई वाई एम आई डूइंग वट आई एम डूइंग तब आपको बहुत कुछ सीखना बहुत लाइक ज्यादातर लोग बस कर रहे हैं क्योंकि क्यों हो रहा है ऑटोमेटिक चल है हाँ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ डिफॉल्ट सिंड्रोम कि टाइम्स न्यू रोमन सेट हो गया है तो वो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ हो रहा है ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या और एक स्टडी भी था इसमें आ, कि जो लोग आईफोन में सफारी यूज़ करते हैं या जो लोग डिफॉल्ट एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर ही यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर उनका लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस स्लाइटली लोअर कंपेर्ड टू जो एक एफर्ट कर रहे हैं गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए अच्छा कि जो डिफॉल्ट है ना हम इतना टू डिफॉल्ट हाँ वो है चाहे वो मुझे पता भी हो बेटर है दूसरा वाला ऑप्शन लेकिन डिफॉल्ट है वही यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट पे मत जाओ थोड़ा सोचो कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हो सो नाउ विल मूव टू द फायर रेवन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सोनाइट दिए आई एम श्योर पीपल विल इंजॉय इट नाउ लेट्स गो टू द रेपिड फायर One food item you would ban if you could? I don't want to ban anything. My purpose has never been to ban anything. No video say, Know what you consume and don't ban anything. But if you I um, legal notice. I guess. Your most controversial food opinion. आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव नॉट बिलीव हो बट मैं खुद इंटरमीडेंट फास्टिंग वो सब नहीं करता हूँ लाइक जब मुझे भूख लगता है मैं खा लेता हूँ तो चाहे वो दो तीन घंटा में भी हो तो मैं खुद नहीं करता मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है बट मैं खुद नहीं करता हूँ वर्स्ट फूड ट्रेंड ऑफ द डेकेट अब मैं इंडियन कॉन्टेक्स में ये आंसर दे रहा हूँ कि आई थिंक सीरियल्स जो मैं जो कॉन्फ्लेक्स और वो सब लास्ट दस साल में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को देखा हूँ ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हुए इंडिया में पहले वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट था अब वो इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है चोकोस कॉन्फ्लेक्स और वो सब तो वो मुझे लगता है काफ़ी ख़राब एक ट्रेंड है इंडिया के लिए अ पॉपुलर हेल्थ फूड यू थिंक इज ओवर आई थिंक मैनी प्रोटीन बार्स टूडे वो इसेंशियली चॉकलेट है बहुत सारे मैं हर एक का नहीं बात कर रहा कुछ प्रोटीन बार सही हैं लेकिन बहुत सारे प्रोटीन बार इसेंशियली चॉकलेट बेच रहे हैं प्रोटीन के नाम पे लिखेंगे हाई प्रोटीन हम घुमाओगे देखेंगे दो तीन ग्राम प्रोटीन है चार ग्राम प्रोटीन और बता रहे हैं प्रोटीन बार और उसमें होगा बारह तेरह चौदह ग्राम शुगर और दो तीन ग्राम प्रोटीन और बता रहे हैं प्रोटीन बार शुगर और सॉल्ट विच इज़ द बिगर इविल इन माई व्यू शुगर The most misleading food advertisement you have ever seen. Taste be healthy probably slogan I used for. part yeah. <laughs> Your advice for someone struggling to switch a healthier diet? Start with why. Like why do you want to switch to a healthy diet? If you have that internal purpose, I think it'll become easier. How do you stay motivated and focused on your long-term vision? I think more than motivated is discipline. Uh, motivation goes and comes, but discipline stays. So just try to build a habit and stick to it. What do you consider your greatest achievement in terms of social impact? I mean, it's just a lacks of parents who have messaged me that because of watching videos, they have been able to improve their health, improve their children's health. And when I mean, you know, when I'm in an airport or तो बहुत लोग बोल रहे हैं अरे आपके कारण मैं अपने बच्चे को अब हेल्दी का खाना देने लग गया हर दिन तो वो मुझे बस जब मैं सुनता हूँ वो मैं खुश रहता अभी तक का सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो आपने अपने मिशन में फेस किया और आपने उसे कैसे ओवरकम किया आई थिंक uh, सबसे बड़ा चैलेंज वही था बिग, बिगनिंग में जब मैं यूएस छोड़ के आया और ये सब सब जब लीगल इशूज हुए तो मैं पर्सनली एक फाइनेंशियल भी फियर था कि मैं क्या कर रहा हूँ uh, और बहुत फैमिली प्रेशर था और मैं ओवरकम बस किया मैं अपने आप को याद दिलाया ओवरऑल पर्पस क्या है और जब मैं वो याद दिलाया तो मैं ठीक था ठीक है मैं एक महीना नहीं कमाऊँगा एक साल नहीं कमाऊँगा कभी ना कभी तो कमा ही लूँगा वो मुझे एक इंटरनल कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया दिमाग में और बस जब मैं वो कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं वही पाता हूँ सो थैंक यू सो मच रेवंत शो पे आने के लिए बहुत ही ब्यूटिफुली आपने इनसाइट शेयर किए आई एम श्योर ऑडियंस गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाई दिस एंड इन द लास्ट वी आस्क गेस्ट ये जो इनर हेल्थ पर हमने इनिशियटिव लिया है वट इज़ योर टेक ऑन दिस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इनर सो अगर आप खुद के अंदर अगर आप खुश हो तभी आपको बाकी और सब चीज़ में भी अच्छा करोगे तो हाँ मतलब सुपर सुपर इम्पोर्टेंट हर एक जन को बोलूंगा फोकस करने <laughs>